अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक है, तबीयत ठीक है? तो जनाब, मैं बना रही हूँ इस वक्त शिवारी चिकन। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी होती है। नॉर्मल पकाई जाने वाली चिकन से बिल्कुल अलग टेस्ट होता है इसका। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पका रही हूँ कि आज मैंने अम्मी के घर जाना है। मुझे बड़ी याद आई है अम्मी की, काफ़ी अर्सा हो गया मैं अम्मी से नहीं मिली। तो आप इसका लुक देखिए और इंजॉय करें। तैयार होकर बैठी थी जाने के लिए अम्मी के घर, तो दीवार पे देखा ये गुलहरी साहिबा तशरीफ़ लाई हैं। आप ज़रा इसकी आवाज़ सुने और देखें। आपने कभी गुलहरी की आवाज़ नहीं सुनी होगी, सुनिए और इन्जॉय कीजिए। और पीछे से मलाइका भी बोल रही है। मैंने भी फर्स्ट टाइम गुलहरी की आवाज़ सुनी है। देखे, पहले मैं इस आवाज़ को किसी परिंदे की आवाज़ समझती थी, लेकिन आज पता चला ये गुलहरी की आवाज़ है। वाह अल्लाह ताला, तेरी कुदरत, तेरी शान है बेनियाजी। अभी हमारी दावत का सामान आ गया है जो कि हमने मंगवाया है। इतने अरसे बाद हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और एक छोटी सी ट्रीट का इंतजाम किया सब ने मिलकर। अभी कुछ सामान आना है, कुछ आ गया है। अभी देखते हैं ये क्या आया है। ये फ्राइज आए हुए हैं और जिंगर, ये जिंगर बर्गर है विद फ्राइज, और ये पराठा रोल मंगवाए हैं। तो जब तक मैं इनको डिश आउट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने कुछ सामान प्लेटों में निकाल रही है और कुछ सामान दूसरी तरफ से अम्मी ने प्लेटों में निकाला हुआ है। जैसे ही हम लोग अम्मी के घर पहुँचे तो खूब हल्ला गुल्ला था, सारी सिस्टर्स आई हुई थी, तो सारा दिन वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। इसलिए अब इकट्ठे हुए तो सोचा कुछ वीडियो बना ली जाए। तो बिस्मिल्लाह करके हम लोग जैसे ही खाने के लिए बैठे वैसे ही लाइट चली गई, फुल अंधेरा हो गया और हर किसी ने अंधेरे में ही दावत को एंजॉय किया। मोबाइल्स की रोशनी में कोई पता नहीं चल रहा था कौन क्या खा रहा है, बस हर कोई मज़ा कर रहा था और खूब गपशपे हो रही थी। पहले तो ओरिजिनल आवाज़ में थी लेकिन शोर इतना था कि मैंने कहा चलो वॉइस ओवर ही कर ले। अंधेरा था लेकिन मज़ा बहुत आया खैर से खाने का। सब ने माशाल्लाह पेट भर के खाया है और अम्मी सबको अब गिलासों में कोल्ड ड्रिंक डाल के दे रही हैं। और बच्चे अभी तक खा रहे हैं, वो देखे जर्निश अभी तक एंजॉय कर रही है, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। अब जैसे हम सब लोग खा पी के फारिग हुए तो लाइट आ गई और आप देख सकते हैं बर्तन किस तरह खाली हुए पड़े, धोने की भी ज़रूरत नहीं है। खैर से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब सब थक चुके हैं खा पी के, पेट सबके भर चुके हैं, तो जिसको जहाँ जगह मिली है वो वहीं पर सीधा होके बैठ गया है क्योंकि तकरीबन सब लोग ही फुल हो चुके हैं और हर कोई अब रेस्ट करने का सोच रहा है खाने के बाद। तो और ये शाफ, ये अम्मी और बाजी हम सब के लिए खाना तैयार करने के बाद। सालन मैंने बनाया था, बाजी ने रोटियाँ बनाई है और अब खा पी चुके के बाद अब वो खुद बैठी किचन में खा रही है। अभी या तू क्या कर रही है? अभी रोटी है। अब भी रोटी खा रही हो अम्मी? मेरी बाजी अब सादिया और हदिया मम्मा घर जा रही है, उनके घर किसी की खैरियत है। अल्लाह हाफिज। इसके बाद ये देखे मलाइका रो रही है और सब भी अंदर चला गया गुस्से से, उसने अपनी साइकिल भी फेंक दी है। थोड़ी देर तक मलाइका के बाबा आएंगे तो हम भी घर चले जाएंगे। और ठीक, इसे मुझे मिस किया था आपने है? चलें ठीक है, जिसे खाना खा लें जब तक मैं बाकी तैयारी करती हूँ, फिर चलते हैं घर की तरफ। तो अब शाम हो गई है और हम वापस जा रहे हैं अपने घर। सूरज देख के डूब रहा है सामने, कितना खूबसूरत मंज़र है, हर तरफ सर्दी फैली हुई है और सूरज अलविदा कह रहा है हमें। और इसके साथ हम भी आपको अलविदा करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएँगी। तो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।